कांग्रेस ने सत्ता से बीजेपी का सफाया करने के लिए बापू की कर्म भूमि को चुना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वर्धा में न सिर्फ गांधी जी के निवास स्थान बापू कुटीर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक बुलाने के साथ रफाल को लेकर पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ वार किए। देश से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी ने जो राह चुनी थी, आज बापू की उसी राह पर चलकर कांग्रेस सत्ता से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। आज गांधी जयंती पर कांग्रेस ने बापू की कर्मभूमि वर्धा में अपने इस मिशन की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिशन की कमान संभालते हुए सबसे पहले महात्मा गांधी के निवास स्थान बापू कुटीर जाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान राहुल के साथ सोनिया गांधी भी मौजूद थी। दोनों ने आश्रम में भोजन के बाद अपने बर्तन खुद साफ कर संकेत दिया कि वो बापू की राह पर ही चल रहे हैं। प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के बाद महादेव भवन में कार्यकारिणी बैठक की गई। ये भवन कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस कार्यकारिणी की ऐतिहासिक बैठक हुई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान इसी बैठक से किया गया था, जिसके कारण आखिरकार 5 साल बाद ब्रिटिश शासन को देश छोड़ना पड़ा। इस बैठक को याद करने के लिए कांग्रेस ने इसी भवन में वर्किंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस मीटिंग के बाद बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल ने पदयात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा दिया गया। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर कई वार किए। राहुल ने रफाल से लेकर नोटबंदी की बात कर पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने दोस्त की जेब में 30,000 करोड़ डाले, आप बताएं ये कैसी चौकीदारी है। वहीं किसानों का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने कहा कि देश के सबसे अमीर 15-20 लोगों का कर्ज पीएम माफ करेंगे, लेकिन गरीब किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में न किसी से नफरत की, न किसी से गलत बात कही और न हिंसा की। उन्होंने प्यार से बात की। हम भी बीजेपी को गांधी के रास्ते पर चलकर ही उखाड़ फेंकेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।